नमस्कार दोस्तों, आज हम एक यानी कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए अभी एक पेपर लेके आए दोस्तों, जो KVS जो दोस्तों KVS 2013 में आया हुआ पेपर है दोस्तों। ये यानी कि KVS 2018, सॉरी दोस्तों, KVS 2013 में एक यानी क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, जिसके हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे। ओके दोस्तों, हम यानी कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यानी हर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि हर ऑप्शन क्लियर हो दोस्तों आपका, यानी ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें दे रखा है दोस्तों कि इंडेक्स्ड संकाय है, इंडेक्स्ड संकाय के लिए है। तो इंडेक्स यानी कि भारतीय विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, इंडेक्स्ड संकाय है दोस्तों। इसके साथ साथ ही दोस्तों इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि इनफ्लिमनेट का एक स्वतः शक्ति यानी कि अंतर विश्वदलीय, यानी ये एग्जामिनर ऐसे पूछना चाह रहा है कि इनफ्लिमनेट की संस्था कौन सी है दोस्तों। तो इनफ्लिमनेट की संस्था कौन सी है दोस्तों, UGC है। इनफ्लिमनेट की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं कि इनफ्लिमनेट की स्थापना दोस्तों 1991 में हुई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो UGC के द्वारा की क्या की गई थी, इनफ्लिमनेट की स्थापना की गई थी दोस्तों। इनफ्लिमनेट का दोस्तों मैं जाने कि इनफ्लिमनेट का कार्यालय कहाँ पे दोस्तों, तो इनफ्लिमनेट का कार्यालय दोस्तों गुजरात, इनफ्लिमनेट का दोस्तों गुजरात विश्वविद्यालय, दोस्तों गुजरात विश्वविद्यालय गांधीनगर। दोस्तों गुजरात विश्वविद्यालय के गांधीनगर में क्या है, इनफ्लिमनेट का क्या है दोस्तों कार्यालय दोस्तों, यानी कि मुख्यालय दोस्तों। इसके साथ साथ ही दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कि वोल फीचर सिद्धांत किस एक सिद्धांत है, यानी कि पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वोल फीचर सिद्धांत, ये जो फलक अनुक्रम का सिद्धांत है दोस्तों, ये फलक अनुक्रम का सिद्धांत है। इसके साथ साथ ही हम अगले बात कर लेते हैं दोस्तों कि यानी कि फलक अनुक्रम के सिद्धांत को दोस्तों हम बोलते हैं पक्ष अनुक्रम सिद्धांत, पक्ष अनुक्रम सिद्धांत, पक्ष अनुक्रम सिद्धांत। पक्ष अनुक्रम सिद्धांत दोस्तों किसने दिए थे, डॉक्टर एस आर नाथ ने। पक्ष अनुक्रम सिद्धांत दोस्तों, पक्ष अनुक्रम सिद्धांत किसने दिए, डॉक्टर एस आर नाथन दिए थे दोस्तों। डॉक्टर एस आर नाथन दोस्तों चार सिद्धांत दिए थे, पक्ष अनुक्रम के कितने सिद्धांत दिए थे दोस्तों, चार सिद्धांत दिए थे। पहला यही है कि यानी कि पहला सिद्धांत है दोस्तों गाय बछड़ा सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है दोस्तों वॉल फीचर सिद्धांत यानी कि चित्र दीवार सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है दोस्तों यानी कि वर्ण अनुक्रम सिद्धांत दोस्तों, और चौथा सिद्धांत है दोस्तों क्रिया कर्ता सिद्धांत, कर्ता सिद्धांत, क्रिया कर्ता सिद्धांत दोस्तों। डॉक्टर एस आर नाथन ने चार सिद्धांत दिए हैं पक्ष अनुक्रम के। इसके बाद में अगले क्वेश्चन यानी डॉक्टर एस आर नाथन सहायक क्रम के आठ सिद्धांत दिए हैं दोस्तों। सहायक अनुक्रम के कितने सिद्धांत दिए हैं दोस्तों, आठ सिद्धांत दिए हैं दोस्तों। यानी कि पहला सिद्धांत दिया है दोस्तों यानी कि सहायक अनुक्रम में पहला सिद्धांत दिया है दोस्तों, यानी कि काल वृद्धि का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, कालक्रम का सिद्धांत, ऐसे मिला के डॉक्टर एस आर नाथन ने कितने सिद्धांत दिए हैं दोस्तों, आठ सिद्धांत दिए हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में प्रथम लाइबरनेटर होने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, तो प्रथम लाइबरनेटर होने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, डेलनेट को, क्योंकि डेलनेट की स्थापना दोस्तों 1986 में कर दी गई थी। कब कर दी गई दोस्तों, 1986 में कर दी गई, सॉरी सॉरी दोस्तों, 1988 में डेलनेट की स्थापना कर दी गई थी दोस्तों, 1988 में डेलनेट की स्थापना कर दी गई दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, निषाद के द्वारा, डेलनेट की स्थापना निषाद के द्वारा की गई थी दोस्तों दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में दोस्तों एक निषाद के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसे दोस्तों इंडियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया दोस्तों। उस कॉन्फ्रेंस में, उस सम्मेलन में किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, तो उसमें डेलनेट की स्थापना की गई थी दोस्तों। उसके बाद में जाने कि सिलीम नेट यानी कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क दोस्तों, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की दोस्तों स्थापना तो 1986 में हो गई थी दोस्तों, लेकिन ये क्रियान्वित दोस्तों, ये क्रियान्वित कब हुआ दोस्तों, 1994 में। और दोस्तों ये जो डेलनेट है ये क्रियान्वित कब हुआ दोस्तों, तो 1991-92 में। तो पहले क्रियान्वित तो हुआ, इसलिए प्रथम नेटवर्क होने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, तो डेलनेट को जाता है। इनफ्लिमनेट की स्थापना अभी ऊपर बात की है हमने कि 1961 में, 1991 में, सॉरी 1991 में किसके द्वारा की गई दोस्तों, UGC के द्वारा इसकी स्थापना की गई दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम खुली पहुँच की वकालत करता है, तो दोस्तों जो पांचवा यानी डॉक्टर एस आर नाथन के अनुसार जो चौथा नियम है
वो क्या करता है दोस्तों, खुली पहुंच की वकालत करता है, यानी कि समय की बचत करना। समय की बचत कैसी होगी दोस्तों, यानी खुली पहुंच होगी, ओपन एक्सेस सिस्टम होगा, तो यानी पाठक को अनेक कठिनाइयों का सामना नहीं करने पड़ेगा दोस्तों। इसलिए क्या करता है, समय की बचत होगी। तो समय की बचत होगी तो कौन से नियम का पालन करेगा दोस्तों, यानी कौन से नियम की वकालत करेगा, तो चौथे नियम की वकालत करेगा दोस्तों। इसके साथ साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक गौण सेकेंडरी दस्तावेज नहीं है। तो दोस्तों गौण सेकेंडरी दस्तावेज एटलस है, वार्षिक रिपोर्ट है ही दोस्तों, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो लाइब्रेरी हेराल्ड क्या है दोस्तों, लाइब्रेरी हेराल्ड क्या है दोस्तों, एक गौण सेकेंडरी दस्तावेज है। लाइब्रेरी हेराल्ड का प्रकाशन कौन करता है दोस्तों, तो दिल्ली विश्वविद्यालय करता है दोस्तों। लाइब्रेरी हेराल्ड का प्रकाशन कौन करता है दोस्तों, तो दिल्ली विश्वविद्यालय क्या करता है दोस्तों, लाइब्रेरी हेराल्ड का प्रकाशन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि स्वतंत्र भारत में पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये तो पुस्तकालय यानी कि भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष से रिलेटेड ही नहीं है तीनों दोस्तों, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, बी एस केशवन कब बनाए गए थे दोस्तों, तो बी एस केशवन 1945 से लेकर 1961 तक क्या रहे, राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष रहे दोस्तों। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया दोस्तों, भारत आज़ाद हो गया। और 1948 में क्या हो गया, 1948 में से राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे दिया गया था किसको, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को क्या हो गया, यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे दिया गया 1948 में दोस्तों। तो पहले अध्यक्ष कौन हो गए दोस्तों, बी एस केशवन। इसके बाद दोस्तों अगली बात करें कि किस निम्नलिखित राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2009 में कौन से राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ दोस्तों, तो 2009 में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ दोस्तों, यानी कि पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ दोस्तों। चारों राज्यों की बात कर लेते हैं दोस्तों, एक ही तो हो गई। अगले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दोस्तों 2006 में क्या हुआ दोस्तों, पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों 24 अप्रैल 2006 को क्या हुआ दोस्तों, पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ दोस्तों। इसके बाद में हरियाणा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हरियाणा और केरल दोनों में एक साथ ही पारित हुआ दोस्तों, कब, 1989 में दोस्तों, यानी कि दोस्तों 1989 में पारित हुआ हरियाणा और केरल में दोस्तों। इसके साथ साथ ही हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि कोलन वर्गीकरण में टाइम आइसोलेट के कितने स्तर हैं दोस्तों, तो टाइम आइसोलेट के कितने स्तर हैं दोस्तों, दो स्तर हैं, T1 और T2। इसके बाद में हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि कोलन वर्गीकरण से मुख्य वर्ग पी की स्थान है, यानी कि जो कोलन वर्गीकरण या कोलन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा बनाई गई पत्ती है दोस्तों, ये कब बनाई थी दोस्तों, 1933 में। इसमें मुख्य वर्ग पी को क्या बांटा है दोस्तों, ललित कला भी है, पी इतिहास भी है दोस्तों, पी विधि भी है। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, यानी कि उपयुक्त सभी पी में कि पी स्तर को क्या करता है, खंडों में विभाजित करता है दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की पहली पीएचडी प्रदान की गई थी दोस्तों। तो हम दोस्तों इन चारों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा क्या की गई थी दोस्तों, पहली पीएचडी प्रदान की गई थी। तो अब यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी कोर्स कब शुरू किया गया दोस्तों, तो 1951 में दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या गया दोस्तों, पीएचडी कोर्स शुरू किया गया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पहली पीएचडी 1957 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा यानी कि डिब्बी कृष्ण राव को क्या गई, पहली पीएचडी उपाधि दी गई थी दोस्तों। यह डॉक्टर एस आर रंगनाथन के निर्देशन में दी गई थी दोस्तों, किसको, डिब्बी कृष्ण राव को किस यानी उसके अध्यक्ष दी गई दोस्तों, यानी कि डिब्बी कृष्ण राव का सब्जेक्ट क्या दोस्तों, तो वो था डेप्थ एंड एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, ऐसे कुछ यानी सब्जेक्ट था दोस्तों उसका। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय का स्थायी रिकॉर्ड होता है दोस्तों, तो पुस्तकालय का स्थायी रिकॉर्ड क्या होता है दोस्तों, एसोसिएशन रजिस्टर होता है। एसोसिएशन रजिस्टर की हम साइज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एसोसिएशन रजिस्टर की साइज कितनी होती है दोस्तों, 16x13 क्या होती है उसकी, एसोसिएशन रजिस्टर की साइज होती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 113 नंबर की, इसमें दिया गया न्यू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के भाग होते हैं, तो दोस्तों न्यू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के तीन भाग होते हैं दोस्तों। पहला भाग होता है दोस्तों माइक्रोपीडिया, दूसरा भाग होता है दोस्तों मैक्रोपीडिया, और तीसरा भाग होता है दोस्तों प्रोपीडिया। दोस्तों तीसरा भाग कौन सा होता है दोस्तों, प्रोपीडिया होता है। अब दोस्तों इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पहली बार प्रकाशन कब हुआ दोस्तों, तो इनका पहली बार
पहली बार प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1768 में पहली बार प्रकाशन हुआ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का। इसका यानी कि अंतिम संस्करण कब आया था दोस्तों, तो 2010 में इसका 32वां संस्करण आया था दोस्तों। 2010 में कौन सा आया, 32वां संस्करण आया दोस्तों, और 2012 में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका को क्या कर दिया गया दोस्तों, बंद कर दिया गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की आवृत्ति क्या है दोस्तों, तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की आवृत्ति क्या है दोस्तों, साप्ताहिक है। तो हम ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की यानी कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे दोस्तों, BNB। दोस्तों BNB यानी कि BNB शुरू कब की गई दोस्तों, 1950 में ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, BNB का प्रकाशन शुरू किया गया। ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा किसका प्रकाशन शुरू किया गया दोस्तों, BNB का प्रकाशन शुरू किया गया दोस्तों। तो यानी कि इसकी यानी कि अभी तक इसको 22 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, 22 भाषाओं में क्या प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। इसके साथ ही हम जाने कि इसकी आवृत्ति क्या, साप्ताहिक है दोस्तों, यानी कि BNB की सारी बातें होगी दोस्तों। इसके बाद में एक ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के द्वारा विकसित किया गया, तो ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर दोस्तों NIC के द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों, NIC के द्वारा ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया दोस्तों। निस्केयर के द्वारा दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि ओनली फॉर ग्रंथालय सॉफ्टवेयर, इनकी ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों, निस्केयर के द्वारा, और ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों, तो ये NIC के द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में के लाभ के लिए एनलिस्ट विकसित की गई, तो दोस्तों पहले तो हम एनलिस्ट की बात करते हैं कि एनलिस्ट है क्या दोस्तों, तो एनलिस्ट दोस्तों एक इन्फ्लिमनेट का कार्यक्रम है दोस्तों, इन्फ्लिमनेट का क्या है दोस्तों, ये कार्यक्रम है एनलिस्ट। इन्फ्लिमनेट इस कार्यक्रम को कॉलेजों के लिए बनाता है दोस्तों, यानी कि महाविद्यालयों के लिए, किसके लिए बनाता है दोस्तों, यानी कि महाविद्यालयों के लिए बनाता है एनलिस्ट को, ये UGC का एक कार्यक्रम है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यक्तियों और स्थानों के बारे में सूचना पाई जाती है, तो दोस्तों व्यक्तियों और सूचनाओं के बारे में डाइजेस्ट क्या देता है हमें, सूचना प्राप्त सूचना देता है दोस्तों। इसके बारे में जो दोस्तों ऊपर दिया हुआ है गजेटियर, ये सरकारी घोषणाओं के बारे में सूचनाओं, सरकारी घोषणाओं व सरकारी विधियों के बारे में जानकारी देता है दोस्तों, सरकारी जो घोषणा होती है दोस्तों उनके बारे में जानकारी कौन देता है दोस्तों, गजेटियर देता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यानी कि निम्नलिखित में इसकी पुस्तकालय के बकाया प्रभार का अतिरिक्त स्रोत है दोस्तों, तो वो क्या है, अकादमी क्या है अतिरिक्त स्रोत है दोस्तों, यानी पुस्तकालयों का बकाया प्रभार का। इसके बाद में दोस्तों हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो इनमें यानी कि थोड़े क्वेश्चन धुंधले प्रकार के हैं दोस्तों, इनको आप समझने की कोशिश करें थोड़ी सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आइडियल प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशन प्लान की संकल्पना, तो दोस्तों हम थोड़ी जल्दी बात कर लेते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों। इसमें डॉक्टर SR रंगनाथन ने क्या दी थी, इन तीनों की यानी विकसित किया था, इसकी परिकल्पना दी थी। इसके साथ साथ ही दोस्तों इसमें यानी कि अलग अलग देश या देश यानी नोटेशनल प्लान है, तो दोस्तों नोटेशनल प्लान दोस्तों 21 उपसूत्र दिए थे दोस्तों, नोटेशनल प्लान में दोस्तों डॉक्टर SR रंगनाथन ने कितने उपसूत्र दिए, 21। उसके बाद दोस्तों जो आइडियल प्लान है उसमें कितने उपसूत्र दिए दोस्तों, तो उसमें कुल हमें 15 उपसूत्र दिए दोस्तों, 15 उपसूत्र दिए दोस्तों। इसके बाद जो वर्बल प्लान है उसमें कितने उपसूत्र दिए दोस्तों, तो उसमें 4 दिए थे। लास्ट दोस्तों यानी कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने एक यानी कि बुक ऑफ क्लासिफिकेशन, कैनन्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में भी कितने सूत्र दिए दोस्तों, कैनन्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में दोस्तों 3 उपसूत्र दिए थे। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने डॉक्टर कुल 43 उपसूत्र दिए थे दोस्तों, 21 + 15 + 4 + 3, तो कितने हो गए दोस्तों, कुल 43 उपसूत्र दिए डॉक्टर SR रंगनाथन ने। तो आइडियल प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशनल प्लान किसे संबंधित है दोस्तों, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि कलेक्शन नंबर का एक हिस्सा है, तो कलेक्शन नंबर के दोस्तों 3 हिस्से होते हैं। पहली बात तो यानी कि कलेक्शन नंबर किसका है, कॉल नंबर का हिस्सा है, तो कॉल नंबर बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉल नंबर बराबर बुक नंबर और क्लास नंबर, और एक होता है दोस्तों संग्रहण नंबर, जिसको हम बोलते हैं संग्रहण नंबर को क्या बोलते हैं दोस्तों, संग्रहण नंबर को बोलते हैं दोस्तों हम कलेक्शन नंबर। ये तीनों किसके यानी बुक नंबर, संग्रहण नंबर और क्लास नंबर किसके इस यानी कि हिस्सा होता है दोस्तों, तो कॉल नंबर का हिस्सा होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ब्रिटिश राज के दौरान पुस्तकालय क्लब की स्थापना कहाँ, कब और कहाँ पे की गई दोस्तों, तो 1919 में दोस्तों,
1919 में कोलकाता में क्या की गई दोस्तों, भारत में ब्रिटिश राज की पुस्तकालय क्लब की स्थापना की गई। इसके बाद दोस्तों माला इन्फोनिज मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन एक, तो ये दोस्तों एक न्यूज़ लेटर है जो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा क्या किया प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दोस्तों सिलिप का पूरा नाम है, सिलिप का दोस्तों पूरा नाम है कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल, यानी कि इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों इनको ये नाम इसको 2002 में पड़ा दोस्तों, कब पढ़ा दोस्तों 2002 में भी दोस्तों LA+IIS यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन और IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के दोनों को जोड़कर क्या पढ़ा दोस्तों, सिलिप पढ़ा दोस्तों, दोनों को जोड़कर क्या नाम पड़ा दोस्तों, सिलिप पड़ा इन दोनों को, LA और IIS को। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दोस्तों चट्टोपाध्याय समिति की नियुक्ति के द्वारा की गई थी, तो दोस्तों चट्टोपाध्याय पहले तो इसकी बात करते हैं कि ये रिलेटेड किससे दोस्तों, तो ये दोस्तों नेफलिस से रिलेटेड है दोस्तों, किससे रिलेटेड है दोस्तों, नेफलिस से क्या रिलेटेड है दोस्तों, तो नेफलिस यानी कि नेफलिस की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो नेफलिस की स्थापना हुई थी दोस्तों 31 मई 1986 में नेफलिस की स्थापना हुई, जिसको राष्ट्रीय संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा चट्टोपाध्याय को क्या गया था उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों, क्या किया दोस्तों, अध्यक्ष नियुक्त किया गया था भारत के संस्कृति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के संस्कृति विभाग यानी कि भारत सरकार के द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन पुनर्गठन वर्षों में किया जाता है, तो इसका पुनर्गठन दोस्तों यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यानी कि 3 वर्षों में क्या किया जाता है, इसको पुनर्गठन किया जाता है दोस्तों। इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसकी स्थापना दोस्तों यानी कि 4 मई 2012 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, जो किसके द्वारा की गई दोस्तों, भारत के संस्कृति विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसमें कुल दोस्तों 4 ग्रुप बनाकर इसकी स्थापना की गई जो कि संस्कृति मंत्रालय के क्या है दोस्तों, अधीन है दोस्तों। ओके दोस्तों, जो अगले 25 क्वेश्चन है उसका वीडियो हम अगले पार्ट में लेके आएंगे दोस्तों।